Welcome to Jacinta Alexander Vlog. Hi, good morning guys. आज तो लग रहा है मॉर्निंग सच में बड़ी गुड गुड हो रही है. बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है. देखते हैं चल के. वो तो बहुत अच्छा रहा है, दिखाते हो. अरे गाइस, मैं कुछ बनाने की सोच रही हूँ और इसे बनाने के लिए ना मैंने गार्डन में कुछ देख लिया और मुझे वो चाहिए, क्योंकि अगर वो डलेगा या उसके साथ बनेगा तो जो बनने वाला है ना वो बहुत ही टेस्टी बनेगा. और मैं सच में पहली बार बनाने जा रही हूँ. आपको पहले दिखाती हूँ वो है क्या जो गार्डन में. तो पहले वो निकलवा के लाना है, या तो मैं अम्मा को भेजूँगी, अम्मा ही ला के देंगी, क्योंकि पुलके तो बाहर जाके सब करने से रहे. तो दिखा दूँ है क्या, बताना आपको. दिखा रही हूँ मैं आपको, ये दिखा दिखा लंबा सा कुछ दिख रहा है. यही है जो मुझे चाहिए. और अब मैं अम्मा को भेजूँगी लाने के लिए, क्योंकि पता है पुलके तो जाएंगे नहीं गार्डन में अंदर जाके लेकर आने के लिए. उन्हें लगेगा कोई ना कोई रहता है, मैं कैसे तोड़ कर लेकर आऊँ. और मैंने उन्हें कन्विंस करने की भी बहुत कोशिश करी कि कुछ नहीं होता है यार, जाके ले आओ, नॉर्मल साइड में तो लगा हुआ है, क्योंकि जब बन जाएगा तो खाओगे ना. तो जब खाने का शौक है तो थोड़ा सा मेहनत भी कर दो यार. अब मुझे कह रहे कि तुम साथ में चलो, मैंने कहा ठीक है मैं साथ में चलती हूँ. फिर मुझे कहते चलो रहने दो, अम्मा से बोलते अगर अम्मा कर देंगी तो अपना काम हो जाएगा. तो बताऊँ बना क्या रही हूँ जिसके लिए इतनी मेहनत करना. तो आपको दिखाया है वैसे मैंने, आपको समझ आया कि नहीं आया. गुड 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 मॉर्निंग गाइस. तो आ गया हूँ आज मैं हमारे दूसरे चैनल पे. कौन से? सोनी पे, कलर्स पे, किस पे? अरे आपके अपने चैनल पे गाइस, यूट्यूब चैनल पे आ गया हूँ. और हम आ गए हैं दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में. आज गाइस कुछ स्पेशल बन रहा है. जसिंटा सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई है, भाई पार्क से कुछ तोड़ के लाना, कुछ तोड़ के लाना, कुछ तोड़ के लाना है. आपको इन्होंने अभी हिंट भी दिया हो कुछ तोड़ने को कह रही है, लेकिन डिस्क्लोज कर देते हैं तभी क्या खींचना है ना. चलो डिस्क्लोज कर दो, जाओ बेबी डिस्क्लोज कर दो. कर रही हो डिस्क्लोज? हाँ दिखाते हैं, चलो कर दो. अब समझ आया क्या है ये? गाइस ये था केले का बड़ा सा पत्ता. आपने देखा होगा ना, कई बार मिलता है, शुभ होता है, काफी लोग तो फंक्शंस में भी यूज करते हैं. पर आज जसिंटा इससे खाने में यूज करने वाली है सच में. और आपको वीडियो में बने रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैं बनाने वाली क्या हूँ जिसमें मेरे को इतना बड़ा केले का पत्ता चाहिए. हाँ गाइस, सीक्रेट रेसिपी. हाँ पर अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है ना. वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा और आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो यार. तो भाई अगर आज का वीडियो आपने स्किप कर दिया देखने से, भाई एक बहुत ही बड़ी रेसिपी आप मिस करने वाले हो, बता रहा हूँ. ऐसी रेसिपी जिसको देख के आप पागल हो जाओगे और आपको फील होगा भाई अब तमिलनाडु आ गए हो क्या, बिल्कुल वो वाली फील आने में. तो वीडियो में बने रहो. और हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, क्योंकि इस तरीके का मजेदार कंटेंट हम रोज देते हैं, वो भी दो दो बार, सुबह और रात को. तो सब्सक्राइब कर लो. तो ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मेरी वाइफ स्टार्ट कर रही है अपनी रेसिपी. तो मैं सोचा क्यों ना उसका व्लॉग शूट करने तैयार हो जाएं, क्योंकि आप लोगों को मिस नहीं होना चाहिए. तो आपको पता कैसे चलेगा कि बनने क्या वाला है. सो लेट्स गो. तो दोस्तों ये हमने केले के पत्ते को अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि आज का खाना में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है. तो चलिए बीवी शुरू करा जाए. और ये आ गया हमारा चिकन, आप देख सकते हैं मैरिनेट हो चुका है. और कुछ बताना चाहेंगे बीवी जी आप? अभी पहले मैं प्रिपरेशंस पूरी कर तो लूं, फिर बताते हूं एक के बाद एक इनको कि क्या क्या करना चाहिए. ओके गाइस, तो वीडियो बने रहे, नहीं तो आप कुछ मिस कर सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट. तो गाइस ये पतीला भी चढ़ा दिया गया और इसमें थोड़ा सा हमने पानी भी रख लिया. अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या. भाई जो चिकन खाने वाले लोग हैं, चिकन लवर्स मेरे ख्याल से, वो तो चिकन देख के रुक नहीं पा रहे होंगे. नहीं सच में ये बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी भी बनता है. इसमें कोई ऑयल वगैरह तो यूज ही नहीं हो रहा ना. और ये स्टीम पे बनेगा, देखना बहुत स्लो कुकिंग होगी और स्टीम में बनता है ये, तो ये बहुत हेल्दी बनता है. क्या बात है. और जो फ्लेवर आने वाला है ना वो तो आपने खुद ही पहली बार खाना है, क्योंकि मैं पहली बार ही बना रही हूँ ना, इसलिए आप भी पहली बार. तो आपका भी फर्स्ट टाइम गाइस और हमारा भी. तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इस केले के पत्ते में अपना चिकन का जो मैरिनेटेड चिकन उसमें रखा था, फिल किया था, उसको हमने पूरा रैप कर दिया और धागे से बांध के इस पतीले में रख दिया है. और अब ये जो कुक होगा गाइस वो स्टीम पे कुक होगा. आप देख पा रहे होंगे पतीले में हमने थोड़ा सा पानी रखा है, उसके ऊपर एक प्लेट रख के उसके ऊपर ये केले के पत्ते में चिकन डाला है. अब ये जो चिकन कुक होने जा रहा है ये इसकी स्टीम से कुक होगा.
आप देख सकते हैं ऊपर से हमने कवर भी कर दिया ताकि इसका जो प्रोसेस है जो वो अपना कंप्लीट हो सके और ये स्टीम अंदर ही अंदर है उसको कुक करने में हेल्प करे। तो गाइस ये हमारे लिए भी काफ़ी नया प्रोसेस है, हम देख रहे हैं, हमारा भी एक्सपेरिमेंट ही है, साथ में आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट निकलता क्या है। फिंगर्स आर क्रॉस्ड कि भाई बढ़िया ही निकलेगा, क्योंकि मेहनत करके अगर अच्छा खाना नहीं मिले तो उसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो भाइयों फाइनली हमें जो इसको कुक करना था वो प्रोसेस हमने पूरा कर लिया है, अब इसको बाहर निकाल के देखते हैं क्या निकला है, क्या आउटकम क्या इसका। भैया पहली बार बनाया था, देखते हैं, महाराज जी कृपा रखना, श्री राम जी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हम इसको खोल रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है भैया। अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है यार। अरे हाँ यार भी बना है। ये तो हरियाली चिकन जैसा ही लग रहा बिल्कुल, क्या बन के निकला भैया। अच्छा लगता है, अब कुक हो गया। वाह 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 भैया, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो चलो इसको प्लेट में डालो भाई, मेरे से वेट नहीं हो रहा। भाई ये कौन चोर आ गए, सामान चुरा के जा रहे हैं। अभी गार्ड अंकल को बोलना पड़ेगा, भाई ये क्या हो गया, दिन दिहाड़े चोरी हो रही है आजकल, ओ माय गॉड। तो दोस्तों ये मैंने ये अपने डंबल ऑर्डर किए हैं, मैंने आपको बताया था कि वर्कआउट करने के लिए अभी जिम नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि जेसेंटा अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, घर के लिए तो डंबल ले ही आते हैं। तो अब से हम घर में थोड़ा बहुत जिम करने वाले हैं ताकि थोड़ी बहुत फिटनेस बने रहे, मसल में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बने रहे, देखते हैं क्या होता उसे। दोस्तों वर्कआउट हो गया कंप्लीट, नहा धो के हम ऑल सेट, देख सकते हो बाल अभी गिले गिले, टी शर्ट भी बदल लिया है। अब ये मत करना कि टी शर्ट बदलने से नहाया कैसे हो गया, तो नहा कर मैं आ गया हूँ। गाइस गर्मी हो ही इतनी रही है, थोड़ा वर्कआउट करने का पसीने पसीने हो गए थे, तो भाई बस उफ। ये देखो मैडम भी आ गई है, सीटी खूब बजा रही है और मुझे धमकी दे रही है ऊपर से, मैंने से बिना पूछे मुझे कैमरे में मत लेना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग, अपना तो पहले पूरा फेस चेक कर लेते हैं कि हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ, हाँ मैं रेडी हो गया हूँ कैमरे के लिए, और मुझसे पूछा भी नहीं और मेरा फोटो ऐसे ही ले लेते हैं, मुझे वीडियो में ऐसे ही कैप्चर करते रहते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो भाई बाल बिल्कुल चंपू से बना के आया हूँ, क्योंकि अभी हेड वॉश किया था तो बाल बिल्कुल और थे गीले गीले, बस कॉम किया और मैडम के फिर भी देखो कितने बाउंसी बॉल हो रहे हैं, और इन्होंने नेचुरली बाल है बाबा ऐसे, ये देखो, और हम तो नेचुरली पैदा ही नहीं हुए थे जैसे, देख रहे हो कैसे कैसी बातें कर देती है लड़कियाँ। तो हाँ गाइस, तो दोपहर को हमने खाया था चिकन जिसका स्वाद अभी भी मेरे मुंह पर, उसका स्वाद उतारने के लिए मुझे दोबारा पेस्ट करना पड़ गया, नहीं तो मैंने कहा भाई कुछ और चीज़ का स्वाद मुंह पर आएगा ही नहीं, चढ़ गया था स्वाद मुंह पर, इतना टेस्टी खाना बनाती है मेरी बीवी, इसको ढाबा खुलवा के दूंगा, काके का ढाबा। लगा कि मेरे को किचन से फ्री करेंगे, कह रहे ढाबा खोल के और दुनिया का बना के खिलाओ यार, ये बंदा ना इसको काके का ढाबा खुलवा के देंगे, काके का ढाबा, काके ते पापे दा ढाबा, ऐसा कुछ करवा के देंगे। और के नाम का क्यों खोलेंगे, हम अपने नाम का खोलेंगे, जसिंटा का ढाबा। ये भैया जब भी न्यूज चलाओ ना वहाँ पे आंधी तूफान आंधी तूफान आंधी तूफान दिखा रहे हो, एक हमारी एक दिल्ली है, दिल्ली में आंधी तूफान छोड़ो बस थोड़े थोड़े सफेद बादल आ जाते हैं, थोड़े देर के लिए छांव कर देते हैं और हम दिल्ली वाले खुश हुए थे कि बारिश आने वाली, लेकिन नहीं गाइस ये बस एक भ्रम है, एक धोखा है। ठीक है, धोखा देना होता है ना, बस धोखा देता है, जैसे ऐसे कहते हैं मिल गया मिल गया मिल गया, वाह वही छीन लेते हैं बिल्कुल। तो वही हो रहा है कि हमारे पास बारिश बेचारी आ ही नहीं पा रही है, और बस यार बोलो यार बादल जल्दी से आए, दिल्ली में भी बारिश हो, हमें भी अच्छा लगे कि मौसम अच्छा हो गया, कहीं घूमने का मन करे, इतनी गर्मी में कहाँ जाएं, हम तो पूरे दिन सोचते यही रहते हैं कब मौसम ठीक हो और हम कहीं जाएं। गाइस पता है प्रेयर में बहुत ताकत हो, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस पूरी दिल्ली में बस मैं ही मांग रहा हूँ बारिश। आप लोग बोले ना आप लोग खुश हो धूप से, ऐसा क्यों लग रहा है, तो आप लोग भी प्रेयर करो क्योंकि बारिश आएगी, तो गाइस मौसम अच्छा हो ना तो बाहर मजा आता है, आंधी तूफान ना आए लेकिन बारिश तो आए, जब तक बारिश नहीं आएगी हम बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा करने वाले हैं क्या हम, ये अब कसम खा ली है इसने, अब मैं इसको बाहर लेके ही नहीं जाऊंगा भाई, कहीं भी बोले इसकी मम्मी के, कब कसम खाई कि बारिश नहीं आएगी, अब इनको तो इसकी इनको इनकी मम्मी के पास भी नहीं लेके जाएंगे अब हम। अच्छा ठीक है, जबकि लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी जगह होती है ना कि हाँ अपने ससुराल अपने मायके जाओगे, मम्मी से दूर नहीं कर सकते आप, मैं करूंगा, ये हिम्मत मैं दिखाऊंगा, ये हिम्मत मैं दिखाऊंगा भले इसके लिए, शादी के बाद तो माँ से ज्यादा प्यार हो जाता है ये सबको पता है, ये झूठे, पहले बोलते तुमसे प्यार करती हूँ सबसे ज्यादा, बोले माँ।
मेरे को तो जिस हालात चल रहे हैं ना आजकल के, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमें ना अंग्रेजों से लगान वाला फिर से चैलेंज लेना पड़ेगा कि हाँ भाई दो गुना लगान देगा हम तुमको अगर मैच हारा तो, वो करना पड़ेगा या फिर घन 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 घर वो वाला गाना गाना पड़ेगा भाई, लंगड़े को बुलाना पड़ेगा, कचरा को बुलाना पड़ेगा, किस किस को, तभी बारिश आएगी। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं यहीं पे एंड गाइस, क्योंकि अब प्लानिंग कर रहे हैं रात को कि रात को क्या खाने, क्योंकि मैं तो फूडी, मैं तो बोलता रहा हूँ खाना, ये तो बोल रही है कि भाई खाना बंद करो, हमने जो दोपहर को खा लिया वही डिनर समझो बस, क्योंकि मुंह पे तो अभी भी टेस्ट था ना तुम्हारे, तुम जस्ट अभी कह रहे थे, मैं कहा अच्छा अच्छा ये बात भी सही है भैया। भाई गर्मियों में कौन ज्यादा खा सकता है यार, ज्यादा हम पानी पीते हैं, लिक्विड डाइट में रहते हैं, खाने की क्या जरूरत है, वो सर्दियों में खाना चाहिए। चलो ठीक है, लस्सी पिला देना फिर, लस्सी पिला दो डिनर हो गया, क्या बोलती हो? बस मैं अपनी मर्जी की चीज करवाई लेता हूँ जैसे तैसे। तो गाइस बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, खाएंगे खाएंगे लस्सी की, तो अब लस्सी अलग से बनाना पड़ेगा, खाना तो खाना ही है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को करते हैं यही पेंट, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है गाइस, वीडियो देखते हो आप लोग, ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपको न्यूज़ पता है नहीं पता, अब हमारे वीडियोस दो आ रहे हैं दो दिन में, एक सुबह और एक रात को, तो आपके लिए डबल एंटरटेनमेंट हो गया गाइस, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय जय श्री राम।